आज हम गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बुद्ध प्रतिमाएं। गुप्त काल में अनेक सुंदर पाषाण में उकेरी बुद्ध की प्रतिमाओं का अंकन हुआ है। एक बुद्ध प्रतिमा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि के लेख के अनुसार इस प्रतिमा की स्थापना यश दिन नामक बौद्ध भिक्षु ने अपने माता पिता आचार्य एवं संतों के पुण्य के लिए बनाई थी। मथुरा के जमालपुर टीले से प्राप्त यह प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है और 7 फीट 2.5 इंच ऊंची है। मूर्ति में कुंचित केश, ऊंचे जटा जूट बंधे हुए लंबे कान, दोनों कंधों पर महीन सलवटों वाली धोती ओढ़े हुए, नासिका पर केंद्रित दृष्टि ध्यान मुद्रा में है और बुद्ध के शीर्ष के पीछे गोल विशाल अलंकृत प्रभा मंडल दिखाया गया है। एक बुद्ध की उपदेश देती हुई प्रतिमा बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस प्रतिमा में बुद्ध पद्मासन लगाए हुए बताए गए हैं। यह मूर्ति 2 फीट 4.5 इंच ऊंची है, जो सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हाथों को उपदेश की अभिव्यक्ति करते हुए बताया गया है। बुद्ध के चेहरे पर शांत भाव, निश्चल भाव जिससे दृढ़ता का आभास होता है, पलकें कुछ झुकी हुई और गंभीर भाव लिए हुए, कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। चेहरे के भाव और आँखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध अपने अंतर में भी कुछ झांक रहे हैं। इस प्रतिमा में बुद्ध के शरीर पर झीना वस्त्र डाले हुए बताया गया है और यह वस्त्र बहुत ही लययुक्त है। इस शिल्प में विष्णु धर्मोत्तर पुराण और शिल्प रताम के नियमों का पालन किया गया है। शिल्पकला की निश्चित किए गए प्रतिमान अंग रचना और आभूषण और वस्त्र हैं, जिसमें संतुलन, लय, प्रमाण और स्वच्छता है। बुद्ध के मस्तक के पीछे प्रभा मंडल बनाया गया है, जिसमें बहुत ही संतुलित और सुंदर डिज़ाइन की गई है। यह प्रतिमा रेतीले पत्थर की है और शास्त्रीय कला का एवं गुप्त काल की मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। गुप्त काल की एक और खड़ी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो अभय मुद्रा में है, जिसमें कपड़ों की सलवटें आड़ी रेखाओं के बदले खड़ी रेखाओं में बताई गई हैं और पैर के दोनों ओर ये सलवटें बताई गई हैं। बाकी सारा अंग स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वस्त्र अंगों पर चिपके हुए हैं। इस मूर्ति में शारीरिक अंग अधिक स्पष्ट और सुंदर हैं। इसके मस्तक के पीछे भी प्रभा मंडल बना है, जिसमें बहुत ही सरल व संतुलित अलंकरण है। यह प्रतिमा 5वीं सदी की है। इसकी शैलीगत विशेषताएं उस समय के अजंता के चित्रों के समान हैं, जो वाकाटक राजाओं के समय में बने हैं।